ये दुनिया पैसे की नहीं है। आपको एक टिप देता हूं मैं, आप खुश कैसे रह सकते हैं इसके ऊपर फोकस करना, और ये रोज शाम को हिसाब लगाना अपना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, रोज शाम को प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। पता कैसे बनाना प्रॉफिट एंड लॉस? ऐसे बनाना कि आज दिन में मैं खुश कब कब हुआ और दुखी कब कब हुआ। तो जो खुश होने वाले हैं उनको हाईलाइट करना, अच्छा मैं ये काम करता हूं तो खुश होता हूं, और फिर दुखी होने वाले के थोड़े कॉज ढूंढना कि दुखी क्यों हुआ था, तो उसमें ना उसके कारण ढूंढना कि तुम्हें किसी ने दुखी किया था, जानबूझ के दुखी किया था, या तुम अपने व्यवहार से दुखी हो गए थे कि तुमने किसी के साथ बदतमीजी की थी तो दुख हुआ था, या तुम किसी के साथ जा रहे थे तो दुखी हो गए थे। उसके अकॉर्डिंगली अपने भीतर बदलाव लाना। अगर अपने व्यवहार में बदलाव की आशा हो कि आपको लगता है नहीं मैं अगर बदतमीजी से ना बोलता तो ज्यादा अच्छा था, मैं अपनी मम्मी को वो कह रहे थे खाने में बेटा ये खा लो करेला, मैं गुस्से में ना बोलकर अगर प्यार से भी कहता मम्मा करेला नहीं खा सकता हूं मैं, तो शायद मम्मा मान जाती। तो ऐसे में आप अपने भीतर बदलाव लाना शुरू कर दोगे, और जो लोग आपको जानबूझकर दुखी कर रहे हैं उनकी कंपनी आप छोड़ना शुरू कर दोगे। आप बोलोगे ये आदमी मुझे जानबूझ के परेशान करता है, ये मेरे मन में खटास भरता है, दूसरों के प्रति नफरत भरता है, वो अपना घटना शुरू हो जाएंगे, आप व्यक्तित्व में अच्छे हो जाएंगे, यू विल बी हैप्पी। और उसी दौरान एक और काम करना, पता क्या? अपने काम से प्रेम करना शुरू कर देना। जब तुम अपने काम से प्रेम करोगे, हम क्लास में आते ना 3 घंटे पता नहीं चलते हैं, मजे मजे में निकल जाते हैं, काम करने से आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, यू विल बी हैप्पी। और जब आप हैप्पी होंगे और अगर काम कर रहे हैं तो पैसे भी मिल जाएंगे, और चिंता की बात ही नहीं है, पैसे मिल जाएंगे तो आपका काम भी हो जाएगा, आपकी घरेलू आवश्यकताएं, आपकी रहन सहन का खर्चा अपने आप निकल जाएगा।